1903 में आज ही के दिन बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार आरसी बोराल का जन्म हुआ था। बोराल को भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। इसके साथ ही बोराल को पहली संगीत में कार्टून फिल्म बनाने का भी श्रेय हासिल है। मोहब्बत के आंसू, धूप छाव, डाकू मंसूर, चंडीदास, पूरन भगत, विद्यापति, अभागिन और प्रेसिडेंट जैसी फिल्मों के लिए बोराल ने संगीत दिया है। 1978 में बोराल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 1987 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में बिकवाली के भारी दबाव के बीच शेयरों की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इस बिकवाली का असर दुनिया भर के शेयरों पर पड़ा था। डाउ जोन्स के औद्योगिक औसत में रिकॉर्ड 508 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। वॉल स्ट्रीट के शेयरों के मूल्य में भी भारी गिरावट आई थी और सामूहिक रूप से हुए नुकसान का आकलन अक्टूबर 1929 के काले सोमवार से भी ज्यादा किया गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की थी और निवेशकों को आश्वासन दिया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई संकट नहीं है। 2004 में आज के दिन इराक में एक वरिष्ठ ब्रितानी सहायता कर्मी का अपहरण हो गया था। 59 वर्षीय मार्गेट हसन ने एक इराकी नागरिक से शादी की थी और उन्हें ब्रिटेन और इराक दोनों ही देशों की नागरिकता हासिल थी। मार्गेट के पति तहसीन अली हसन ने टीवी चैनल को बताया कि दफ्तर के नजदीक ही मार्गेट को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि दो कार सवार लोगों ने उनकी कार को रोका और फिर कार चालक पर हमला कर मार्गेट का अपहरण कर लिया। इस हादसे से पहले मार्गेट को कभी भी कोई धमकी नहीं मिली थी, हालांकि वो इराक पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के खिलाफ थी। और 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने प्लैंक का नियम प्रतिपादित किया था। इसे ब्लैक बॉडी एमिशन का नियम भी कहा जाता है। नोबेल विजेता जर्मन भौतिक शास्त्री प्लैंक ने बताया कि अगर कोई काली वस्तु स्थिर तापमान पर रहे तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ने लगती है। प्लैंक के मुताबिक यह रेडिएशन तापमान पर निर्भर करता है, काली वस्तु के आकार या पदार्थ पर नहीं। 1918 में प्लैंक को उनकी क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्लैंक के नाम पर आज जर्मनी में कई शोध संस्थान चलते हैं। इन तमाम शोध संस्थानों में अलग अलग विषयों पर शोध होते हैं। 1911 में यह संस्थान काइजर विलहेल्म सोसाइटी के नाम से भी शुरू किया गया था। 1948 में इसे मैक्स प्लैंक सोसाइटी नाम दिया गया। जर्मन भाषा में इसे मैक्स प्लैंक गेजल शॉफ्ट कहा जाता है। विज्ञान, समाजशास्त्र, कला और मानव विज्ञान के विषय पर यहाँ शोध होते हैं।